हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। सुधा और रोहित एक बस स्टॉप से अपने ऑफिस जाया करते थे। वो एक स्कूल में टीचर थी और रोहित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था। सुधा बहुत शांत और सादगी पसंद लड़की थी, हमेशा गंभीर मुद्रा में रहती थी। मुझे भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। एक अजीब वाक्या रोज होता था। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल रोज होता था जिसे वो थामे रखती थी। शुरू में कभी हिम्मत ना हुई पूछने की इसके पीछे का कारण क्या है। वैसे मुझे काम का बहुत प्रेशर होता था तो ध्यान उस तरफ नहीं जाता। धीरे धीरे एक रूटीन सा बनने लगा। एक वक्त पर हम दोनों बस स्टॉप पर आमने सामने हो जाते थे, मगर कोशिश दोनों की तरफ से ना हुई बात करने की। एक दिन सुधा ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैं एकदम से अचंभित हो गया, उसे मेरा नाम कैसे मालूम। मैंने मुड़ के कहा, जी कहिए। उसने कहा कि आपके पास चेंज मिलेगा 500 का। मैंने कहा, चेंज तो नहीं, हाँ आप ये 100 का है, आप कल मुझे वापस कर देना। एक बार तो उसने मना कर दिया, फिर ना जाने क्या मन में आया, उसने हाँ कर दी। हम दोनों अपने ऑफिस चले गए। अगले दिन सुबह उसने आते ही सबसे पहले 100 रुपये वापस किए और मेरा धन्यवाद किया। मैंने वो पैसे ले लिए और एकदम से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता। सुधा एकदम से मुस्कुराई। आज पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसने कहा कि आपको अक्सर कॉल पर बात करते सुना, बस तभी जानती हूँ आपका, मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। मगर ना जाने क्यों उसकी हंसी कहीं ना कहीं दिल में कुछ अलग सा कर गई। बस फिर धीरे धीरे बातचीत का कारवा शुरू हो गया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि ये गुलाब का किस्सा क्या है। सुधा ने कहा कि लंबी कहानी है। फिर एक दिन मैं सुधा के साथ में ही बस में सवार हो गया। आज आप कैसे मेरे रूट पर, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। मैंने कहा तुम्हारी कहानी सुननी है। सुधा ने मुस्कुरा कर नज़र फेर ली, मानो मेरी जान निकल गई हो। उसने बताया कि उसकी मंगनी को 2 साल होने को है, वो अपने मंगेतर को प्यार करती है, वो ही पहला और आखिरी लड़का उसकी ज़िंदगी में आया, वो आजकल विदेश में स्टडी करने गए हैं, ये गुलाब उन्हीं के लिए खरीदती हूँ। उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ चुभ रहा था, लग रहा था सब खत्म हो गया। मैं बिना बोले ही अगले स्टॉप पर उतर गया।